हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सभी? तो फैमिली मेरी तरफ से सभी को हैप्पी नवरात्रे। तो आज से ना नवरात्रे शुरू हो गए हैं और मॉर्निंग का टाइम है, तो बच्चे सब चले गए हैं स्कूल, इसलिए मैं अपने घर के काम में बिजी हो गई हूँ। तो सबसे पहले मैं आ गई हूँ अपने रूम में, क्योंकि मैं सबसे पहले कमरा ही सेट करना पड़ता है, क्योंकि पूरे 24 घंटा इसमें हम यूज करते हैं रूम को, तो वो फैल जाता है सामान, तो उसको सेट करना होता है। तो अभी देखिए, मेरे पूरे रूम में ना कपड़े फैले हैं सबसे पहले, तो मैं कपड़े इनको सेट कर रही हूँ अभी। कुछ कपड़े गीले हैं तो उनको मैंने एक साइड ही कर दिया है, और ये सारे सूख चुके हैं तो इसको मैं फोल्ड करके रख देती हूँ। और मैं कपड़े धोने के लिए ना 3 दिन का गैप लगाती हूँ, जब चौथे दिन पर मशीन लगाती हूँ तो इतने सारे कपड़े इसलिए हो जाते हैं। और देखिए, ढेर लगा हुआ है कपड़ों का, और तो एक एक करके ना मेरे को सारे कपड़े फोल्ड करने हैं, सभी के छोटे बड़े एक एक करके रखने होते हैं मेरे को, ताकि इनको ना ढूंढने में और पहनने में आसान हो। तो बस वही मैं फोल्ड करती हूँ ना, इस चीज़ का ध्यान रखती हूँ छोटे बड़े कपड़ों का। नहीं तो बड़े कपड़े में छोटे मिक्स करके रख दो ना, तो वो मतलब दिखाई नहीं देते हैं। तो सबसे पहले काम ना, ये बहुत अच्छा तरीका होता है कि एक साइड छोटे कपड़े इनको, एक साइड बड़े कपड़े इनको, तो और भी आसान हो जाता है कपड़ा निकालने में और पहनने में भी। और जिनके घर में छोटे बच्चे हैं ना, उनके घर में तो हमेशा ये काम की बात है या आने वाली है, क्योंकि इसको हमेशा याद रखें, जो छोटे कपड़े हैं ना बच्चों के उनको हमेशा एक साइड रखें। पर मैं ऐसा करती हूँ ना, तो मेरे बच्चे हैं ना इसको छोड़ते नहीं है बिल्कुल भी। बड़ा वाला मेरा बच्चा देखेगा छोटे कपड़े ने, और छोटा वाला देखेगा बड़े कपड़े ने, तो मम्मी मैं ये पहनूँ, मम्मी मैं वो पहनूँ, तो इस तरह चलता रहता है मेरा। तो